ओके सो आज के ट्रेनिंग में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रोडक्ट्स विच आर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स फॉर मेन. ओके सो मेन ग्रूमिंग, अभी तक हमने बहुत सारा डिस्कशन किया न्यूट्रिशन के ऊपर, बहुत फोकस किया हम लोगों ने. एंड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, जितना न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स जितने इनके अच्छे हैं उतने ही अच्छे इनके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं. और पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, अगर हम देखें, एक तो हमको पता है कि न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. एट द सेम टाइम पर्सनल केयर मतलब अपने, एक होता है लुक गुड एंड फील गुड. तो लुक गुड मतलब अच्छा दिखने के लिए भी लोग बहुत खर्चा करते हैं. देर इज अ ह्यूज स्कोप अगर हम बिजनेस की तरह देखें तो. एंड ऑल्सो फॉर पर्सनल, एक तरीके से फॉर पर्सनल हाइजीन, फॉर पर्सनल ग्रूमिंग, दीज प्रोडक्ट्स आर मस्ट यूज प्रोडक्ट्स. मतलब आपके पास होने चाहिए ये प्रोडक्ट, आप खुद भी यूज करें और लोगों को शेयर भी करें. तो मैन ग्रूमिंग के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं पिक करूंगा दैट इज एलो शेव. ओके एलो शेव. सो आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने इसको ट्राई किया है, और मैं इसको डेली यूज करता हूँ एलो शेव को. एलो शेव के बारे में पहले तो मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा, बिकॉज आपको पता ही है, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट फ्रॉम FLP. तो फॉर एवर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मेनली इनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है एलोवेरा. तो ये इसमें भी एलोवेरा होता है, विच इज वेरी गुड फॉर द स्किन. एंड इसके बारे में एक वीडियो के थ्रू लेट्स सी, छोटी सी वीडियो है अबाउट एलो शेव. जस्ट एक पर्सन है जो कि शेविंग करके दिखा रहा है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि ये जो स्मार्ट से पर्सन है जो एलो शेव इन्होंने यूज किया, तो जस्ट मैं आपको एक्सपीरियंशियली कुछ चीजें बताना चाहता हूँ अगर आप लोगों ने इसको नहीं यूज किया होगा. देखिए ये सारा एक्सपीरियंशियल है कि यूज करके कैसा लगता है, स्किन में कैसा लगता है. तो ये सब चीजें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता ही नहीं सकता. और आपको पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें तो करता नहीं हूँ, बट ये है कि मैं इसको जब से रेगुलरली इसको मैं यूज कर रहा हूँ, सो एक्सपीरियंशियली मैं आपको ये बताऊंगा. एक तो अगर आपने देखा होगा, इन्होंने अपने हाथ के ऊपर, अपने हाथ पे पहले रखा, ठीक है, हेलो शेप. ओके एंड वो फोम बनाया अपने हैंड्स को रब करके, एंड देन उन्होंने अपने फेस पे लगाया. तो ये एक वे है. और दूसरा वे ये है कि आप जो शेविंग ब्रश होता है उसके ऊपर भी लगा के अपने प्रॉपर फोम डेवलप कर सकते हैं. देखिए क्या होता है कि अगर हम बाकी बाकी जो शेविंग शेविंग क्रीम जो होती है, अगर उससे अगर हम कंपेयर करें तो इसमें फोम कम बनता है, कम फोम बनता है. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा झाग बन गए अगर हम बाकी उससे कंपेयर करें तो. बट रियली में इट फील्स वेरी स्मूथ. ओके जब आप शेव करेंगे इट विल फील वेरी स्मूथ. और इसमें कुछ मॉइस्चराइजर भी होता है. सो अगर आपके फेस बहुत ज्यादा ऑयली है और बहुत ज्यादा उसमें पिंपल विंपल होते हैं, तो दिस इज अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट. और क्योंकि एलोवेरा भी है तो स्किन के लिए अच्छा ही हो रहा है. ओके तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर एलो अपना जो ब्रश के थ्रू भी लगा के इसमें फॉर्म डेवलप कर सकते हैं. जब इन्होंने एलो शेव यूज किया, उसको यूज करने के बाद, प्रॉपर लगाने के बाद, ये तो किया ठीक है ब्लेड से, लेकिन उसके बाद ही अप्लाइड दिस अल्फा ई फैक्टर. ओके तो अल्फा ई फैक्टर एक मतलब एक तरीके से सीरम टाइप का होता है, जिसमें ड्रॉप अपने हाथ में लगा के, फिर देन क्योंकि आपने ब्लेड यूज किया है अपने स्किन पे तो आप अल्फा ई फैक्टर भी लगा सकते हैं. लेकिन वैसे मैं नहीं लगाता हूँ, बट इन्होंने बताया है. बट ये है कि आफ्टर दिस मस्ट जो आपको यूज करना चाहिए दैट इज जेंटलमैन प्राइड. तो जेंटलमैन प्राइड क्या है, दिस इज अ आफ्टर शेव लोशन. ओके तो शेविंग करने के बाद आफ्टर शेव लोशन लगाना मस्ट होता है. अगर आप नहीं लगाते हैं तो मतलब क्या होता है कि जितना ब्लेड अपने स्किन पे लगा रहे हैं उतना इन्फेक्शन भी हो सकता है आपको. तो दिस जेंटलमैन प्राइड एलो लोशन, ये जो लोशन है आफ्टर शेव लोशन, इसको भी अगर आप लगाते हैं तो
एक तरीके से लाइट मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसकी, विच फील्स वेरी वेरी गुड। ओके, अब इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि गो टू फॉर एवर लिविंग वेबसाइट, ओके, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाकर गो टू पर्सनल केयर सेक्शन, और यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि इसको कैसे यूज करना है, इट्स ओवरव्यू, इट्स यूसेज, ओके, एंड देन यहाँ पर अगर आप मीडिया पे जाएं तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल है प्रॉपर, जो फॉर एवर एक तरीके से प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। और बहुत बढ़िया लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज एस्टिमेटेड दैट मैन एंड वुमेन विल एंड अप स्पेंडिंग अबाउट 6 months इन देयर लाइफ शेविंग, मतलब कि लड़के और लड़कियां मतलब लगभग 6 महीने पूरे साल पूरे अपनी जिंदगी में सिर्फ शेविंग ही निकाल देते हैं, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, एंड इफ यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग दैट मच टाइम ऑन समथिंग, बी श्योर यू आर यूजिंग द बेस्ट प्रोडक्ट यू बिलीव। सो तो यह है कि गेन मोर नॉलेज बाय गोइंग थ्रू द FLP वेबसाइट, FLP वेबसाइट में जाकर वहां से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है दिस इज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, किसी और वेबसाइट पर जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन मत निकालिए, यहीं से ही देखकर अपने कस्टमर को यू कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन। ओके, और इसी के ऊपर लास्ट ईयर नवंबर में, क्योंकि एवरी नवंबर नो शेव मंथ मैं मतलब मैं बनाता हूँ, तो नवंबर में मैंने एक एक प्रमोशन के लिए वीडियो बनाया था, तो लेट्स सी। तो एक छोटा सा ये प्रोमोशनल वीडियो मैंने भी बनाया था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट, एंड काफ़ी लोगों ने देखा इस वीडियो को, और लास्ट ईयर इतना ज़्यादा मुझे एक तरीके से इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी, बट नाउ एवरी नवंबर आई डू दिस, मैं शेव नहीं करता हूँ, एंड देन इस साल भी लगता है मुझे कोई और ऐसे कोई प्रोमोशनल वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दिस इज एलो शेव, दिस इज ऑल अबाउट एलो शेव, एंड देन जेंटलमैन प्राइड के बारे में जो मैंने आपको बताया कि जितने भी मैन हैं डेफिनेटली यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट, और थोड़ा सा इनका भी देखते हैं। गाना तो अच्छा चल ही रहा है, बट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आज की जो ट्रेडिंग है दिस इज ऑल अबाउट मैन ग्रूमिंग, कोई न्यूट्रिशन नहीं बता रहे हैं आज हम, मतलब देखेंगे ना मॉल वॉल में जाएंगे ना ये मैन ग्रूमिंग बढ़िया से गाना वाना चलता रहता है, और आराम से यू कैन रिलैक्स एंड अच्छे से प्रोडक्ट आपकी बॉडी पे यूज करते हैं वो लोग, सो व्हाई नॉट यूज अवर ओन FLP प्रोडक्ट्स। अब देखेंगे फोम बहुत कम बना, एंड देन दिस इज जेंटलमैन प्राइड, ओके, तो थोड़ा सा लोशन टाइप का लगता है, ये लगता है वो सोई गए। फाइनली इनके चेहरे में स्माइल आ गई है। तो खैर डेफिनेटली सब एक्सपीरियंशियल है, और ज्यादा मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज बाकी सब जितना आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। सो ऑल मैन, मैं आपको बस ये बोलूंगा कि एलो शेव एंड जेंटलमैन प्राइड, ये दो चीजें आपके वॉशरूम में होनी चाहिए, एंड वेन एवर एनी, अगर हम बिजनेस के एंगल से देखें तो इट इज अ वेरी गुड, दीज टू आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स जो कि रूटीन यूज में आप तो यूज कर ही सकते हैं, एट द सेम टाइम आपके घर पे कोई आता है कोई गेस्ट आते हैं देन दिस इज अ वेरी गुड वे कि आप उनको ट्राई करा सकते हैं प्रोडक्ट को। ओके, सो फॉर अवर बिजनेस पर्पज ऑल्सो दीज टू आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैन ग्रूमिंग के लिए मैं देना चाहूंगा दैट इज एलो एवर शील्ड। एलो एवर शील्ड जो है ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए, वैसे तो हो सकता है शुचि भी शायद इसके बारे में बोला, आई डोंट नो कि उनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, बट फॉर मैन ग्रूमिंग ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरीके से वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। सो अभी खैर आजकल तो खैर गर्मियों का टाइम है ही, एंड बहुत ज्यादा एक तरीके से ह्यूमिड एनवायरमेंट है अभी आजकल, तो एलो एवर शील्ड इज अ डिओ स्टिक, एक होता है परफ्यूम एक होता है डीओ स्प्रे, बट दिस इज नॉट स्प्रे, दिस इज
रोल ऑन स्टिक, ओके, डीओ स्टिक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतना ज़्यादा चलता है, इतना ज़्यादा इसका जो लाइफ है इतनी ज़्यादा है, बिकॉज मैंने इसको लिया था, मैंने इसको यूज़ कर रहा था पिछले 6 महीने से, और उससे पहले भी मैं यूज़ कर रहा था, और डेली यूज़ करने के बाद भी अब तक ख़त्म नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है अब तो, 6-7 महीने, 8-9 महीने ये चल जाता है। और अगर हम कंपेयर करें बाकी ब्रांड से, तो वो होते हैं स्प्रे, ठीक है, आपने देखा होगा कि टीवी में एड देखा होगा, एक लड़का बढ़िया से स्प्रे कर रहा है, डीओ स्प्रे कर रहा है, खूब सारी लड़कियां पास में जाती हैं, तो इसमें लड़कियां पास तो नहीं आएंगी, बट ये है कि हाँ आपके बॉडी में से कोई फालतू की स्मेल नहीं आएगी, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। बाकी जो जो डीओ डीओ स्प्रे होते हैं, उसमें थोड़ा सा एल्कोहल होता है, विच इज नॉट गुड फॉर द स्किन। बाकी क्या करते हैं कि जो स्किन के जो पोर होते हैं ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो जो स्किन के अंदर से जो पसीना निकलता है ना, जो स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग ही बंद कर देते हैं, बिकॉज पोर्स बंद कर देते हैं वो। बट एलोवेरा शील्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है फॉरएवर का, जब आप उसको रोल ऑन अपने अपनी बॉडी पर लगाएंगे, तो क्या होता है कि ये जो भी देखिए पसीनों की स्मेल तब आती है जब जो पसीना है बहुत टाइम तक बॉडी से लगा लगा ही रहता है, ओके। तो ये क्या करता है कि जो भी बैड बैक्टीरियाज हैं, उन बैड बैक्टीरियाज को किल करता है, जिसकी वजह से स्मेल आती है, ओके। ये स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करता, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, ओके। एंड दिस इज अ डियो स्टिक, अगेन एवरी एवरी वन शुड यूज इट, अंडर आर्म्स में यू कैन यूज इट एवरी डे आफ्टर बाथ। एंड इसके ऊपर भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए फॉरएवर की वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट के बारे में FLP ने हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन विच वी शुड नो। इतनी इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, बिकॉज प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक तो होता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, और दूसरा ये है कि जब आप खुद से इसको यूज करेंगे, दैट इज द राइट प्रोडक्ट नॉलेज, ओके। तो बॉडी ओडर जो हमारा जो अंडर आर्म्स में जो स्मेल आ जाती है, जो होती है, तो उसको हटाने में हेल्प करता है, और बिकॉज दिस इज रोल ऑन, तो आपके कपड़ों से चिपकता भी नहीं है, तो चिपचिपा नहीं है ये, ओके। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, ऐसा नहीं है कि खूब आपके पास से खूब अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, और बस ये है कि पसीनों की स्मेल नहीं आती, वही मेन तो पर्पस वही है, ओके। और इसके अंदर कोई हार्श कोई केमिकल नहीं है, कोई एल्यूमिनियम सॉल्ट नहीं है, तो इट इज वेरी गुड फॉर अवर स्किन ऑल्सो। सो डू ट्राई दिस प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मैं देना चाहता हूँ, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको और भी मिल सकती है, बट सारी इन्फॉर्मेशन यूज करके ही मिलेगी, ओके। लास्ट प्रोडक्ट जो मैं लेना चाहूंगा, दैट इज परफ्यूम, ओके। आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर का परफ्यूम भी है, एलो एवर शील्ड जो है, दैट इज रोल ऑन डियो स्टिक, जो कि स्किन पे डायरेक्टली अंडर आर्म्स में आप लगा सकते हैं, एंड दिस इज परफ्यूम जो कि आप अपनी अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो परफ्यूम है, ये परफ्यूम मैं यूज करता हूँ, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए आता है, तो मेरी गाड़ी में हमेशा रहता है ये परफ्यूम, जब भी मैं किसी मीटिंग के लिए जाता हूँ अपनी गाड़ी में जरूर रखता हूँ, और मेरी गाड़ी में अगर मेरा कोई गेस्ट बैठा होता है, तो मैं उसको जरूर ट्राई कराता हूँ। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, एलो शेव, जेंटलमैन प्राइड, इसकी आप सैम्पलिंग बड़े अच्छे से कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो। और ये जो परफ्यूम है, ऑलवेज कैरी दिस परफ्यूम विद यू, आप अपनी गाड़ी में रख सकते हो और लोगों को ट्राई करा सकते हो, ओके। अब इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, मैं कैमरा में छिड़क के तो मैं आपको बता नहीं सकता कि फ्रेग्रेंस कैसी है, बट ये है कि डू ट्राई दिस प्रोडक्ट, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, एंड स्प्रे 1 to 2 times ऑन नेक और रिस्ट डेली, एज यू डिसाइड, एज यू डिसाइड। सो बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है। अब हम क्वेश्चन, अगर ये है कि बहुत ज्यादा एवर लास्टिंग है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा एवर लास्टिंग नहीं है ये, जैसे कि उसमें लिखा भी है कि 2 times a day यू कैन अप्लाई इट, अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं या नेक पे लगा सकते हैं। सो बहुत ज्यादा एवर लास्टिंग तो नहीं है, जैसे बाकी कुछ, देखिए बहुत ज्यादा तेज फ्रेग्रेंस भी अच्छी नहीं होती, तो ये माइल्ड फ्रेग्रेंस है, और बहुत अच्छी सी स्वीट सी इसकी फ्रेग्रेंस है, जो कि स्वीट मैंने बोला बट मैस्कुलिन भी एक तरीके से स्मेल है, तो बहुत ही फ्रेग्रेंस है, विच फील्स वेरी वेरी गुड। तो ये परफ्यूम, यू शुड नो दैट वी हैव परफ्यूम ऑल्सो, विच इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज डेली। अगर आपके पास कोई कस्टमर है, आप उनको ना शेयर करिए, थोड़ा सा उनको शेयर करिए, उनको ट्राई कराइए, उनको शेयर करिए, बिकॉज ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बॉडी के अंदर नहीं डालने हैं, जो बॉडी के अंदर डालने होते हैं ना, जैसे जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए लोग बहुत बार सोचते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्प्रे ही तो करना है, एक परफ्यूम है, तो ये शौक है, मतलब जिन जो शौकिया लोग हैं ना, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, एंड दिस इज रियली, आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। सो मैंने आपको बताया एलो शेव,
जेंटलमैन फ्राइड जैसे विच इज आफ्टर शेव लोशन, देन एलोवेरा शील्ड जो कि रोल ऑन स्टिक है, डियो स्टिक है, वो आप डेफिनेटली आप भी यूज करिए, लोगों को यूज कराइए, एंड देन परफ्यूम, परफ्यूम स्प्रे स्प्रे विच यू कैन ट्राई, एंड दिस इज रियली वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर बिजनेस पर्पज एंड फॉर सेल्फ ग्रूमिंग ऑल्सो। ऑल राइट, सो प्रोडक्ट तो और भी बहुत सारे हैं जैसे एलो लिप्स हो गया या फिर बाकी हैंड सोप हो गया, बट इनको मैं आज कवर नहीं करूंगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट मैन ग्रूमिंग, नाउ इट्स ऑल ओवर टू शुचि। लेट मी स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।